एक सूप बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी अपने दो सेल्समैन को एक आइलैंड पे भेजती है और दोनों सेल्समैन से ये कहती है कि तुम जाके उस आइलैंड पे चेक करो कि उस आइलैंड की क्या अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की और वहाँ पे क्या पोटेंशियल है बिजनेस करने की। उसके बाद दोनों सेल्समैन उस आइलैंड पे जाते हैं और जब दोनों आइलैंड पे पहुँचते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके पहले सेल्समैन जो होते हैं वह अपने बॉस को एसएमएस करते हैं कि बॉस यहाँ पे तो कोई सूप बहनता ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए यहाँ बिजनेस करने से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन उसी वक्त उसके दूसरे सेल्समैन ने अपने बॉस को एसएमएस किया, बॉस यहाँ पे तो कोई सूप बहनता ही नहीं है, यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सूप सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सूप आज तक पहना ही नहीं है, तो हमारी सूप ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी, इसलिए जल्द से जल्द आप मुझे बहुत सारे सूप यहाँ पे भेज दो। दोस्तों दोनों के पास सेम सिचुएशन थी, दोनों के पास सेम कंडीशन था, सिर्फ एक देखने का नज़रिया अलग अलग था। किसी को वहाँ पे प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी नजर आई और किसी को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम। आपके ही हाथों में आपके जीवन होती है। आप अपने जीवन में प्रॉब्लम पे ध्यान देते हो या आप अपने अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देते हो। अगर आप अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम नजर आएगी। इसलिए अपने जीवन में बेहतर चीज़ों पर फोकस करो, आपको बेहतर चीज़ मिलेगी।